नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में मानो तूफान सा आ रहा है। एक तरफ हरीश चौधरी बयान दे रहे हैं हनुमान बेनीवाल को लेकर, तो वहीं दिव्या मदेना कह रही हैं शेरनी की तरह चुनाव लड़ेंगी। हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट पर हमला कर रहे हैं, तो देवी सिंह भाटी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि हर संभाग में अब तूफान लाने की तैयारी राजनेताओं की तरफ से, जितनी उनके बस में है। जिस संभाग के जिस नेता की जितना कद है, उतना ही बड़ा तूफान लाने का प्रयास इस चुनाव से पहले। चुनाव की तारीखों में अभी घोषणा करने में समय है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, हर दिन राजस्थान की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। आज हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये जो दल बदलने का सिलसिला चल रहा है, दल बदलू वाकई में क्या राजस्थान में कोई बड़ा दंगल करा पाएंगे। हमारे साथ महेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजीव जैन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ज्योति मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी की, और प्रतिष्ठा यादव प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ज्योति मिश्रा जी आपसे ही करना चाहेंगे। कैलाश मेघवाल के बयान के बाद ज्योति मिर्धा की जो आपकी पार्टी में एंट्री हुई है, उसके बाद तैयारियां कुछ और लोगों के भी शामिल होने की चल रही हैं, और जिस तरह का बयान दिव्या मदेना का आ रहा है, क्या पार्टी अब दिव्या मदेना को लेकर भी कुछ सोच रही है? देखिए मीना जी, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले श्री राहुल गांधी जी अपनी ही पार्टी में मोहब्बत का पर्चा बांटना भूल गए। थोड़ा अपने गिरेवान में झांक लेते, थोड़े अपने पार्टी पर ध्यान दे लेते, तो आज ये नौबत नहीं आती। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप शुरू से इन चार सालों में अगर आप स्टार्टिंग से ही देखें, तो गहलोत जी ने पायलट जी पे आरोप लगाया, पायलट जी गहलोत जी पर आरोप लगाते रहे, यात्राएं भी निकाली इन्होंने 11 दिन की। ये यात्रा क्या थी? ये इनकी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ ही तो यात्रा थी। दो गुटों में बटे हुए हैं, प्रताप जी महेश जोशी जी पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप यह चला, इसका दौर चला, फिर चला कुर्सी बचाने की दौड़। कुर्सी बचाने की दौड़ में वो एक जगह बाड़ेबंदी भी हुई, एक जगह जमा भी हुए, उनको बंद भी किया गया। इसमें पिसती रही राजस्थान की जनता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी, जनता ने साथ दिया, क्योंकि जनता त्रस्त है। वाकई में जनता त्रस्त है। सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, महिला अपराध रोज बढ़ रहे हैं, दलित ये तो रोज ही बातें कर रहे हैं हम, ये तो हर दिन। जी मेन देखिए हम सभी हालात हैं, सरकार की जो काम है और सरकार पर आपका जो आरोप है, उसको लेकर तो बाकायदा आप परिवर्तन यात्रा निकाल ही रहे हैं, तो इसलिए वो सब तो हमें दिख रहा है। देखिए यह मुद्दा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो काम क्यों कर रही हैं? हम आए तो सेवा के लिए ही है ना। आखिरकार इन सभी का जो लक्ष्य है वो तो जनता की सेवा है, जनता की सुरक्षा है। जो सरकार का अहम काम होता है जनता को सेवा देना, उनको सुरक्षा देना, प्रशासन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना, वो तमाम चीजों में तो हमारी राजस्थान की सरकार फेल हो चुकी है ना। तो हमारा सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है। इन उद्देश्यों से हम दरकिनार होकर सिर्फ पार्टी की बात नहीं कर सकते कि इन्होंने ये पार्टी ज्वाइन कर ली, इनको क्या बनाया जाएगा, क्योंकि इन सभी के पीछे एक जो बहुत ही पवित्र लक्ष्य है वह यही है कि हम राजस्थान को कैसे बहुत अच्छा सुशासन दे सकते हैं, प्रशासन व्यवस्था कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। कहते हैं कि एक एक कांस्टेबल के ट्रांसफर में मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप होता है, ये इनके यहाँ के आरोप हैं। तो इन आरोपों आप सोचिए, जहां पे मुख्यमंत्री जी उसके बाद भी बीजेपी के पास, उसके बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक कांस्टेबल के ट्रांसफर में इन्वॉल्व है, जो कि आपका आरोप है। यहाँ पर इतना महिला अत्याचार है, यहाँ पर इतनी कानून व्यवस्था दुर्व्यवहार मतलब बदहाली में है, उसके बाद भी आपको बीजेपी को जो है वो कांग्रेस के लोगों को लेना पड़ रहा है। आप कभी ज्योति मिर्धा को ले रहे हैं, कभी दिव्या मदेना की बात आ रही है, कभी जिस तरह से एक के बाद एक चर्चाएं हो रही हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट का जो वोट बैंक है उसको भी आप लोग प्रभावित कर लेंगे।
तो सवाल तो ये है कि दल बदलवों की जरूरत तो आपको भी उतनी पड़ रही है, इतनी तमाम विपरीत परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी के लिए है उसके बाद भी। देखिए जहां तक ज्योति मिर्धा जी की बात है, तो हम जाएंगे इमरजेंसी के टाइम में, और उनके दादाजी जो एकमात्र सांसद चुने गए थे कांग्रेस से उस समय, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी परवरिश, और आखिरकार कहते हैं कि जो संस्कार होता है वह आपका बोलता ही है, उनके अंतरात्मा की आवाज होगी, उनके संस्कार हैं ये, कि उन्होंने आखिरकार यह देखा कि कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है, किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर वो काम कर रही है। तो जी, उनको तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही है प्रतिष्ठा यादव जी। तब तक मैं राजीव जैन साहब आपके पास आना चाहूंगी। हरीश चौधरी मारवाड़ के जो नेता हैं वो ये बयान देते हैं कि किस तरह से हनुमान बेनीवाल को लेकर जो राजनीति हो रही है और अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते हैं, और आज उनकी सचिन पायलट से चुनावी रणनीति पर मुलाकात होती है। मुलाकात करने का अधिकार राजनेताओं का आपस में है, लेकिन जिस तरह सचिन पायलट को लगभग दरकिनार सा किया हुआ है, ऐसे में हालांकि हरीश चौधरी की राजनीति लगातार कुछ इस तरह की रही है कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में वो मंत्री रहे, लेकिन फिर पंजाब का प्रभारी बनाया गया, मंत्री पद से हटे, और आज जैसी स्थिति है उसमें उनकी जिस तरह की बयानबाजी है, सीधे सीधे पार्टी पर हमला किया है उन्होंने, अपनी पार्टी पर, अपनी सरकार पर, तो क्या मायने हैं इसके राजीव जैन जी? देखिए हरीश जी ने कुछ सियासी दावपेच के तहत अपने बयान दिए हैं जो मुझे लगता है, क्योंकि उनका जो सीधा टकराव था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल से था, जो कि बाड़मेर क्षेत्र में बड़ी घुसपैठ उन्होंने पिछले दिनों की, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है बायतू, वहाँ भी वो काफी उनकी बड़ी रैली हुई थी हनुमान बेनीवाल की, और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल पिछले चुनाव में भाजपा के गठबंधन में थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसी आशंका जताई जा रही है, जैसे जो कांग्रेस कुछ तकनीकी परेशानी राजीव जैन साहब। महेश शर्मा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? महेश शर्मा जी के पास जाएंगे। राजीव जी अब इसी तरीके से जो ज्योति मिर्धा ने भी ये आरोप लगाया था हनुमान बेनीवाल को लेकर, कहीं कांग्रेस से संपर्क में है या कांग्रेस उनके संपर्क में है, दोनों ही बात हो सकती है इसमें। हेलो आवाज नहीं आ रही क्या मीना जी? बिल्कुल आ रही, आप बोलिए सर प्लीज। मेरे को ऐसा लगा कि आवाज दी है, लेकिन ये जो बाकी स्थानीय, अब क्या है जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं मीना जी, तो स्थानीय स्तर की राजनीति हावी होती जा रही है, जो क्षेत्रीय नेता है या जिलों के नेता है, जैसे आपने भी कहा संभाग के नेता है, तो उस तरीके की राजनीति एक ये रूप लेती जा रही है। ये सारे सियासी दाव पेच है, अब इनके पर्दे के पीछे कौन है? ये जिस तरीके से कैलाश मेघवाल बोले, कल सूर्यकांता व्यास बोली, ये भाजपा का मामला, चलो वो एक उम्र सीमा को पार कर गई जो भाजपा ने तय कर रखी है कि भाई इससे ज्यादा वालों को टिकट नहीं देंगे, ये दो नेता हैं, कहीं मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, ये हो सकता है एक निजी संबंध भी होते हैं, लेकिन राजनीति में जब चुनाव आते हैं तो निजी संबंधों का सियासी फायदा भी उठाया जाता है, तो उस तरीके के बयान है। और हनुमान बेनीवाल का भी कहीं ना कहीं जो कुछ ऐसे चर्चे चल रहे थे, जैसा अभी जिक्र भी हो रहा था कि वो कांग्रेस के संपर्क, तो हरीश चौधरी का जो सीधा विरोध है वो ये कि हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस को सोचना भी नहीं चाहिए, उन्होंने ये शब्द भी यूज किया था कि सोच भी नहीं सकते हम उनसे गठबंधन के लिए, लेकिन राजनीति ये सत्ता में आना है तो जो भी कट्टर विरोधी भी होते हैं तो उनसे भी कहीं ना कहीं संपर्क और ये होता है। कल भी आपने देखा होगा या आज सुना होगा कि देवी सिंह भाटी जो भाजपा के पुराने नेता है जो अभी भाजपा से बाहर है, उनकी कल मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, तो पर्दे के पीछे कई सियासी मुलाकातें भी चल रही हैं, तो जैसे जैसे चुनाव आएंगे स्थानीय स्तर के नेता इधर से उधर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस के भाजपा में भी आएंगे, भाजपा के कांग्रेस में भी जाएंगे, तो सबको अपना अपना चुनाव जीतना है, और पार्टियों के लिहाज से देखें उनको सत्ता में आना है, तो उस सत्ता में आने के लिए कहीं ना कहीं वो जो जिलों के नेता है, क्षेत्रीय नेता है, किसी विधानसभा क्षेत्र के नेता है जो सीट जीत सकते हैं। अब मीना जी सबसे बड़ी चीज ये हो रही है, अब गिनती की बात शुरू हो गई है, इतने लोग इसको खड़ा कर देंगे ये जीत जाएंगे, वो उसको खड़ा ले आएंगे पार्टी में तो हम जीत सकते हैं, तो अब सिर्फ गिनने वाली चीजें सामने आने लगी हैं।
200 की विधानसभा है, 100 का आंकड़ा दोनों पार्टियों को पार करना है। तो उस लिहाज से इन नेताओं की आवाजाही चलती रहेगी। अभी आप देखना आने वाले समय में बड़े बड़े नेता जिनका आधार है, जो ये समझते हैं कि हम जीत सकते हैं, वो पार्टियां भी उनको ये समझती है कि ये सीट निकाल सकते हैं। अब सीट निकालने जो जिताऊ उम्मीदवार देने का वो फार्मूला है, वो इसी पे भी आधारित है। जी मीना जी। ओके, तो सवाल ये है, ऐसे में प्रतिष्ठा यादव जी चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दल इस तरह से करते हैं, लेकिन अभी सवाल ये है कि आखिर हरीश चौधरी जी को इस तरह से पब्लिक में आकर अपनी बात क्यों कहनी पड़ी? पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष क्या उनकी बात को सुन नहीं रहे? देखिए, ये तो सबका अपना अपना राजनीतिक जो भी तरीका है वो तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पार्टी की जो कमेटियां हैं उनके अंदर भी वो हैं और हर मीटिंग में भी वो आते हैं, तो उनके इस विषय में तो वही ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। जी, ऐसा उन्होंने क्यों कहा ये वही बता सकते हैं, लेकिन पार्टी की पूरे मीडिया के सामने, लोगों के सामने छीछा लेदर होती है, तो पार्टी को समझ में नहीं आता कि इसका नुकसान भी हो सकता है। देखिए, पार्टी सभी को साथ लेके सब चलने का ही प्रयास है, और आपने देखा भी होगा कि गए दिनों में बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हुई है। अभी उन्होंने बयान दिया है तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ जो भी उन्होंने कहा है वो खुद आकर या तो बताएंगे आप लोगों को अच्छे से कि भाई ऐसा क्यों कहा है। लेकिन मैं देखिए, हरीश चौधरी जी के बयान पर मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि पार्टी की और रणनीति की या हमारे काम की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा आप लोग दूसरी पार्टी में ऐसा होता है तो आप बिल्कुल जमकर बयान देना चाहते हैं। अगर अगर बीजेपी में कुछ ऐसा चल रहा है तो आप खुलकर बयान देंगे। बीजेपी कल मुद्दे पर इस पर बात करने को तैयार नहीं थी कि कैलाश मेघवाल के मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे। मतलब कमाल है, आप देश की सबसे बड़ी पार्टी एक तरफ है बीजेपी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी हिंदुस्तान की, आप लोग इतना साहस भी नहीं जुटा पाते कि पार्टी में जो कुछ चल रहा है उसको खुलकर जनता के सामने स्पष्ट करें कि उसके पीछे क्या हो रहा है, कहां गलतियां हो रही हैं, उनको कैसे करेक्ट करेंगे। आप सीधा बोल देते हैं इस पर बात नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। भाई, बात तो सबसे ज्यादा इसी पर करनी जरूरी है आज, क्योंकि पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है इसी बात की। महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आती हूँ। महेश शर्मा जी, मीना जी, देवी से बात पर एक बात कहना चाहती हूँ। जी प्रतिष्ठा जी, हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मीना जी, आप जो कह रहे हो वो बात आपकी तरफ से तो ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखिए कि एक बड़ा परिवार इतना, क्योंकि छोटे एक छोटे से परिवार के अंदर भी जब परिवार का कोई सदस्य कुछ भी चीज बोलता है तो हम सबको मिलकर उसको साथ लेके चलना होता है। और पार्टी एक बहुत बड़ा कांग्रेस परिवार, इतने सबसे ओल्ड पार्टी और इतना बड़ा परिवार है, तो उसके अंदर कुछ बातें होती है जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आप अपनी थॉट्स को डाल निकलवाना चाहते हैं। 8 बजे ईटीवी पे हूँ, सामने आए जैसे तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ और आएगा तो आपके सामने खुद ही चल के आ जाएगा। तो हर आसानी से कितना गाइडलाइन क्या हमें हम चले कि हमारी जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़े कि हमें हमारी पार्टी के अगर किसी मंत्री ने बोला तो वो पार्टी का अपना निजी एक हमारी जो 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 भी पार्टी के जो हमारे मुखिया है जो पार्टी के हेड कहे वो लोग इस चीज को देखेंगे। इसको मीडिया में आके ही सभी हम बयान दें ये तो मुझे लगता नहीं किसी के लिए भी जरूरी है। और दूसरी बात, आपने कहा कि कैलाश मेघवाल जी वाली बात आप लेके आए, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि विपक्ष में हो या मीडिया भी इस चीज को लेके आता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अनुशासन की बात बार बात करी जाती है, गुटबाजी आती है, ये चीजें आती है, वो चीज आती है, तो वो चीजें आपके सामने आती रहती है बीच बीच में, लेकिन हर पार्टी का अपना एक स्टैंड होता है कि उन्हें अपने परिवार को किस तरीके से संभालना है, और वो चीजें पार्टी के अंदर की जो चीजें हैं वो पार्टी कब मीडिया में लेके आए कब नहीं लेके आए ये तय करना पार्टी का। अभी से प्रतिष्ठा यादव जी अभी जब हम बात कर रहे हैं, इससे ठीक 2 घंटे पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी,
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता भूपेश जो आपकी मीडिया कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की चीफ हैं उनके साथ आप भी नजर आ रही थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बड़ी मुखरता से कहा, ममता भूपेश ने, कि वरिष्ठों का सम्मान इस पार्टी को नहीं आता है, आपस में कोई तालमेल नहीं है, आडवाणी जी को कैसे किनारे कर दिया, यानी कि आप ये अधिकार रखते हैं, आप ये तो बहुत अच्छे से बोलते हैं कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, लेकिन जब आपके घर की बात आती है तो आप कहते हैं कि इस पर आप सवाल ना करें, बजाय इसके आप जनता को ये समझाएं कि हमारे पूर्व मंत्री हरीश चौधरी जी का जो कंसर्न है उसको हम सुनेंगे, उसको हम एड्रेस करेंगे, बैठकर चर्चा करेंगे, उनकी चिंता वाजिब है, उनकी चिंता का क्या कारण है, वो भी जिस समाज से आते हैं, जिस क्षेत्र में आते हैं, वहीं से हनुमान बेनीवाल उनके घर में जाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनकी चिंता जो बनती है वो लाजमी है, और उनके क्या कंसर्न है पार्टी प्लेटफॉर्म पर सुने जाएंगे, पार्टी प्लेटफॉर्म पर और क्या कुछ होगा वो हमें आप बेहतर बता सकती हैं, हमारा काम तो आपसे सुनना है और जनता तक सुनाना है। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी, महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी आज देवी सिंह भाटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं, और हरीश चौधरी सचिन पायलट से मिल रहे हैं, और हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट पर हमलावर हैं। क्या हो रहा है ये प्रदेश की राजनीति में? ये मीना जी वही हो रहा है जो चुनावी यज्ञ होता है उसमें जो संविधाएं जो और मंत्रों का उच्चारण होता है ना, ये सारी चीजें हर चुनाव में चुनावी यज्ञ में ये होती हैं। जी। और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो भी होते हैं सब लगाए जाते हैं, जिनके टिकट कटते हैं वो मतलब क्या कहते हैं इस तरह की जो है आके सार्वजनिक रूप से बयान देने शुरू करते हैं, चाहे उन्हें पहले कुछ भी मिला हो और किसी भी पद पे रहे हों, लेकिन जब आता है नई पीढ़ी को सामने लाने की बातें तब तो ये इस तरह की बगावती तेवर भी नजर आते हैं, कई जातीय समीकरणों को ध्यान में रख करके ये बयानबाजियां होती है, और पार्टियों में इधर उधर जो दल बदल जो है कानून बनने के बाद में भी ये सब चीजें हैं, लेकिन हाँ अब उसके भी एक कार्ड जो निकली हुई है कि भाई चुनाव से पहले ही पहले मतलब जिसको बदलना हो बदल ले, और उसके बाद में अगर चुनाव में जीत के पूर्ण बहुमत जो नहीं होता है तो वहां हम बार्गेनिंग कर, ये एक नया मतलब जो जिस तरह का जो चल रहा है सिलसिला वो देश के लिए तो खैर क्या मतलब लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है कि आप कानून तो बनाते हैं तो लोग बाग गलियां भी ढूंढ लेते हैं, और अब की दल बदल कानून की जिस तरह से हो रही है कि आप सत्ता में आ जाओ और वो एक बंद जितना वो जरूरत होती है तो मतलब क्या कहता हूँ वन थर्ड पार्टी वाले अलग हो जाते हैं और वो फिर वापिस से चुनाव मैदान में जाकर के ये सब चीजें करते हैं, और सारी सब कोस्ट जो है जनता की के धन पर होती है, ये सारी सब चीजें जो होती है राजनीति में जो नए नए रंग बदले जा रहे हैं या जो भी होता है, या अब जैसे उदाहरण के लिए मुफ्त की योजनाएं या और कुछ भी है, पार्टियां घोषणाएं तो करती है फिर अपना जो चुनावी फंड है उसमें से क्यों नहीं निकालती है, चुनावी फंड के लिए ऑडिट क्यों नहीं होती है, अब आप ये सब बातें करते हैं सब कुछ, लेकिन अंततः ये जो चीजें आ रही है जिसको देखें इस सिलसिले ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ा लंबा चला सकता है, इसमें बहस हो सकती है, लेकिन हकीकत यही है जिनको टिकट नहीं मिलता वो पहले से ही इस तरह के आरोप प्रत्यारोप वगैरह शुरू कर देता है। अब जैसे आपने नागौर वाली सीट का जो के हवाले से अगर ये सोचे वो चाहे हरीश चौधरी हो चाहे बेनीवाल हो और या मतलब आपके ज्योति मिर्धा जो भी हैं, ये सब जाट राजनीति का, क्योंकि हमारे राजनीति में जातिवाद का बहुत बड़ा रोल रहा है, हर दल ये चाहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोगों जाति के लोग और समीकरण मतलब क्या कहते हैं हमारे से जुड़े हुए हों ताकि हम सत्ता में आ सके। आज ये जनता में सेवा नाम की है कि हम जनसेवा के लिए आते हैं, ये जनसेवा सिर्फ सैद्धांतिक है, व्यक्तित्व आदमी अपना राजनीतिक रूप से अपना करियर चुनने आता और करियर को बनाए रखना चाहता है, रिटायर कोई होना नहीं चाहता। आज भी 90 साल के कैलाश मेघवाल जी अपने आप को युवा मानते हैं,
और उनका जो अगर आप पीछे की पृष्ठभूमि देखें जिन नेताओं की भी, सबकी अपनी अपनी पृष्ठभूमि आ रही है और सबके मतलब अपने अपने दाव रहे हैं, लेकिन आज चूंकि मौके पे वो कभी मतलब अपने ही दल के लोगों को कटघरे में खड़े करते रहे, वो आज उन्हीं दलों के लोगों की पैरोकारी कर रहे हैं कि साहब उनका उनको उपेक्षित किया जा रहा। तो ये नई जो जिस तरह का जो वातावरण बन रहा है उसकी बुनियाद में अपनी महत्वाकांक्षा, अपना मतलब क्या कहते हैं स्वार्थ, अपना राजनीतिक कद काठी और अपना मतलब क्या कहते हैं जो एक जो बोलते हैं कि हवा का रुख पहचानने वाले भी होते हैं, जिसे बोलते हैं कि भाई किसके समर्थन में हवा चल रही है, किसका नहीं मिल रहा है, और मेरे को अगर यहाँ टिकट नहीं दिया तो मैं बार्गेनिंग। अब जैसे आपने देवी सिंह जी भाटी का है, तो देवी सिंह जी भाटी के एक लंबे अरसे से काफी मतलब उपेक्षित से महसूस कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो मतलब क्या कहते हैं ऐसी तलाश रहे कि यहाँ मेरी संभावना हो सकती है या मेरी भी संभावना हो सकती है। तो ये तोड़ फोड़ की कार्रवाई सिर्फ व्यक्ति के स्तर पर नहीं होती है, बल्कि जो सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं या जो सत्ता में आने के लिए बागडोर के लिए बेताब हैं, उन सब लोगों के ये राजनीतिक जो क्रिया कर्म मंत्रोच्चारण वगैरह जो भी है वो उस सिलसिले में आते हैं। जी तो महेश शर्मा जी, हनुमान बेनीवाल का सचिन पायलट पर आरोप लगाना, इसका क्या मतलब है? मैं यही कह रहा हूं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो है, आप ये देखा होगा कि पहले जो सत्ता पर, 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 पर जिस तरह से गहलोत सरकार को संकट की स्थिति आ गई थी और इन्होंने उस दौरान ये घोषणाएं की थी कि किरोड़ी जी आ जाएं और पायलट साहब आ जाएं और हम ये तीनों मिलकर के वापस नया दल बना करके एक गठबंधन कर करके हम सरकार में आए, मतलब मकसद चाहे बयानबाजी के माध्यम से हो, जातीय समीकरणों का संतुलन बिठाना हो और सत्ता हासिल करनी हो, बागडोर ये मूलतः हमारी राजनीति जो राजस्थान की है वो जाति पर आधारित ज्यादा है। आज वही दल भी जातियां भी आपने ये देखा होगा कि पिछले 5-6 महीने से लगातार हर जाति के जो सम्मेलन हो रहे हैं और अपनी बार्गेनिंग हो रही है, हमें इतने टिकट चाहिए, हमें इतने टिकट जो हमें देगा उनको हम उसका समर्थन करेंगे। तो ये एक राजनीतिक दबाव भी बनने लगा है, एक नई समाज की ओर से भी दबाव डालने राजनीतिक दलों पर डालना शुरू किया जा रहा है और टिकट का आधार भी वही बनता है। अंततः कहा जाता है कि टिकाऊ चाहिए, जीताऊ चाहिए और उसकी नैतिकता होनी चाहिए, पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए, सब सिद्धांत तिलांजलि दे दिए जाते हैं और अपने हिसाब से फिर मतलब टिकटों का बंटवारा होता है पार्टी में, अपने व्यक्तित्व अपने खेमे को बलशाली बनाने के लिए या ताकतवर बनाने के लिए सारे हथकंडे होते हैं। तो ये जो जितने ज्यादा अंक इसमें अर्जित कर लेता है वही सत्ता का भोगने के लिए योग्य हो जाता है। जी जी, तो देवी सिंह भाटी के मुख्यमंत्री से मुलाकात के क्या मायने हैं राजीव जैन साहब? देखिए इसमें कई तरीके के मायने हैं। देवी सिंह भाटी अभी भाजपा में भी नहीं है, उनका पिछले कुछ 2-1 महीने से भाजपा में एंट्री की भी बात थी, लेकिन वो बीकानेर की स्थानीय राजनीति को देखे तो वो अर्जुन मेघवाल के वो विरोधी है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक मैं जो चीज समझ पा रहा हूँ कि अर्जुन मेघवाल को एक टारगेट किया जा रहा है, कैलाश मेघवाल उनके खिलाफ बोले, देवी सिंह भाटी स्थानीय स्तर पर अर्जुन मेघवाल का विरोध करते रहे, उनकी वजह से वो बाहर है और भाजपा ने एक समिति बना रखी है जिसके उसमें सदस्य अर्जुन मेघवाल भी है, जो दूसरे दलों से नेताओं को लेने वाले एक समिति है, उस वो फैसला करती है किसको लेना है किसको नहीं लेना। तो वहां भाजपा में उनकी एंट्री रुकी हुई थी, देवी सिंह भाटी खुले तौर पे अपने आप को वसुंधरा राजे का समर्थक कहते हैं, कैलाश मेघवाल भी खुलेआम कह चुके हैं कि मैं वसुंधरा के खेमे से हूँ। तो निश्चित रूप से इसमें एक अर्जुन मेघवाल का जो एंटी ग्रुप बनता जा रहा है, अब वो सारे के लोग मतलब इसको संयोग मानिए कि वो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, तो वो अब देवी सिंह भाटी भी नाराज हैं, तो दूसरे दल के कांग्रेस के मुख्यमंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री ने उनको कुछ सांत्वना दी होगी, उनकी कुछ मांगे थी जैसे बजरी माइनिंग को लेके, कोई अवैध खनन को लेके देवी सिंह भाटी आंदोलन कर रहे थे, तो
तो आधिकारिक तौर पे कहा गया है कि वो उस सिलसिले में मिले थे अवैध खनन को रोकथाम के लिए, लेकिन आप और हम सब समझते हैं इसके सियासी मायने हैं। एन चुनाव के मौके पर अर्जुन मेघवाल का एकदम कद बढ़ता जा रहा है भाजपा में, एक जो दूसरा ग्रुप है जो उनपे आरोप लगा रहा है उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री पद का चेहरा वो हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व की वो पसंद है, उनको कानून मंत्री भी बनाया गया है, तो उनको उस पद पर आने से पहले रोकने के लिए इस तरीके के एलिगेशन भी लगाए गए, भ्रष्टाचार के उनपे आरोप लगाए गए इस तरीके से। अब वो पुराने आरोप थे, इन दिनों लग रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ जो राजनीतिक रूप से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद पर आने से रोकने का ये कवायद एक दूसरे खेमे की तरफ से चलाई जा रही है। आप देखना तो दूसरा कोई तीसरा भी नाम आ जाए भाजपा की तरफ से तो उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं उस तरीके के आरोप भ्रष्टाचार के या उसको कटघरे में खड़ा वो पार्टी के अंदर से ही लगेंगे। मेन मकसद क्या हो जाता है कि सत्ता आने वाली है या बहुमत आ जाएगा तो मैं नहीं बनूं तो ये भी नहीं बने, वो वाली एक स्थिति दोनों पार्टियों में होती है, राजनीतिक दलों में ये चीजें होती हैं। तो भाजपा में कहीं ना कहीं उसी रूप में ये चीजें चल रही हैं कि अर्जुन मेघवाल का जो कद बढ़ता जा रहा है कहीं उनको एक बड़े उस रूप में नहीं देख लें कि आने वाले समय में राजस्थान की बागडोर उनके हाथों में आ जाए, तो उस चीज को अभी से डैमेज करने के लिए उनको अभी से ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। उनके पुराने आरोप लाए गए हैं भ्रष्टाचार के, 15 साल पहले वो सरकारी सेवा में थे जबकि आरोप अब लगाए जा रहे हैं, तो इसका कोई मायने तो नहीं, इसका सीधा सा अर्थ है कि उनको कहीं ना कहीं रोकना है। जी मीना जी। जी ज्योति ज्योति मिश्रा जी, वाकई में अर्जुन मेघवाल को रोकना इतना जरूरी है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी पड़ रही है देवी सिंह भाटी को, वसुंधरा राजे समर्थकों को? देखिए ये सब जो बातें हैं वो हम अटकलें लगा रहे हैं, जैसे अपने वरिष्ठ हैं काफी हमारे सम्मानित राजीव जैन जी, इन्होंने भी कहा, महेश शर्मा जी जो हमारे सम्मानी हैं उन्होंने कहा कि ये सब चीजें मुख्यमंत्री जी से कोई भी एक समाज सेवक मिल सकता है, बहुत सारे मुद्दे हैं, चूंकि माहौल चुनाव का है तो उसके काफी मायने भी निकाले जा सकते हैं, वो अपनी अपनी सोच है कि हम उस पर क्या निकाल सकते हैं मायने, राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं कि मिल रहे हैं, पर मेन मुद्दा यह है, एक तो भारतीय जनता पार्टी का एक संविधान है और उस संविधान के अनुसार चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वरिष्ठ नेता हो, एक छोटा सा बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, उन सभी को उन संविधान के अनुसार जो भारतीय जनता पार्टी की संविधान है उसके अनुसार चलना ही होता है। अब इस संविधान के को तोड़ने के पीछे अगर स्वार्थ है, कोई लोलुपता है, व्यक्तिगत कोई मुद्दा है, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी समझौता नहीं करती है। दूसरी बात, हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से जिनको वो आना चाहते हैं लेकिन हमारे संविधान को अपना कर आना चाहते हैं, हमारी विचारधारा को अपना कर आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस तो मुझे लगता है कि सभी जानते हैं उसमें नहीं, जो आप काम तो कर रहे हैं बात करिए, वो सभी एक डूइंग भाटी क्या होता है, देवी सिंह भाटी बीकानेर में, देवी सिंह भाटी बीकानेर में कितना नुकसान बीजेपी को पहुंचा सकते हैं अर्जुन राम मेघवाल का विरोध की राजनीति के नाम पर? देखिए पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए कि डूबता हुआ जहाज जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि कैसे टिकट के बंटवारे में भी आपस में भिड़ रहे हैं। 22 सितंबर को आए थे तो मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पे लेने नहीं गए थे, ये वहां का अनुशासन है, तो जहां जिनको उन अनुशासनहीनता पसंद नहीं है तो वो बेशक हमारी पार्टी में आएंगे ही आएंगे। जहां तक पार्टी को नुकसान की बात है तो पार्टी को जो एक संगठननिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो एक नेता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वह कभी भी चाहे वो पार्टी में हो, सक्रिय हो, नहीं हो, वो पार्टी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों के पीछे देवी सिंह भाटी बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचा सकते हैं आपके हिसाब से? उनका कद नहीं है, पार्टी का कद बड़ा है, निश्चित रूप से पार्टी का कद बड़ा है, लेकिन पार्टी में जो नेता खुद को बड़ा समझते हैं और बड़े अपने समय में रहे भी हैं, आज उनकी उम्र चाहे वो कैलाश मेघवाल हो चाहे वो देवी सिंह भाटी हो, निश्चित रूप से वो उगते सूरज नहीं है,
और ऐसे में पार्टी और जहां तक जातिगत समीकरण की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में सभी जाति के का समान भागीदारी हो, ऐसा हमारा प्रयास होता है कि सभी कास्ट के लोग इसमें सम्मिलित हों और सभी को समान भागीदारी मिले, सभी समाज के लोगों को, यही हमारा प्रयास होता है जी। लेकिन ये प्रयास कांग्रेस पार्टी में कितना है, बात ये है प्रतिष्ठा यादव जी कि हरीश चौधरी जी की बात को संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर सुना नहीं गया, इसलिए उनको सचिन पायलट से डिस्कस करना पड़ रहा है इस मुद्दे पर। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे ख्याल आज पहली बार तो सचिन पायलट जी से मिले नहीं होंगे, मिलते रहते हैं आपस में एक दूसरे की, जो भी बातें हैं पार्टी अपने हिसाब से, नेता एक दूसरे से अपने व्यक्तिगत मुलाकातें भी करते हैं। दूसरी एक बात, अभी बीजेपी से हमारी प्रवक्ता कह रही थी कि कांग्रेस के अंदर जो मामला है वो डूबता हुआ जहाज उन्होंने कहा, तो ये आपके अपने निजी विचार है क्योंकि ये राजस्थान तय करेगा, आप तय नहीं करने वाले हैं कि कौन डूबता हुआ जहाज है और कौन उभरता हुआ, लेकिन आपकी परिपाटी और परंपरा ही ऐसी रही है। आप अपने नेताओं को भी यूज एंड थ्रो करते रहे हैं, आपने तो आडवाणी जी को ही साइड पर बैठा दिया। ज्योति जी उनको बोलने दीजिए, ज्योति जी जनता जरूर आपको ज्योति जी आप ज्योति जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए प्रतिष्ठा जी, बेहतर होगा आप बीजेपी की बात करें। मेरी बात आप बोलिए, मैं सुन लूंगी आपकी बात का जवाब भी दूंगी। इन्होंने अडवाणी जी को ही साइड में बैठा दिया तो कैलाश मेघवाल या भाटी जी क्या चीज है इनके सामने, तो ये इनकी परंपरा ही रही है कि जो काम का व्यक्ति उसको ये पास रखते हैं और जो काम से जिनका यूज हो गया वो एक तरह से अब उनका कोई यूज नहीं रहा पार्टी में तो उनको साइड में कर दो, ये लोगों की नजर आई है। और दूसरी बार हम तो विकास के नाम पर, काम के नाम पर हमने सुशासन राजस्थान के अंदर दिया है, हमने महंगाई से राहत दी है यहाँ की तड़पती हुई जनता को, तो एक तरफ तो महंगाई बढ़ाने वाली सरकार, राष्ट्रहित 2023 महंगाई, प्रतिष्ठा जी जनता को बड़ी राहत दे रहे हैं, लेकिन आज आज इनको बढ़ी हुई महंगाई और राष्ट्रहित में नजर आ रही है, ये इनके सोचने का नजरिया है। आप जनता को राहत दे रहे हैं, आपकी सरकार जनता को राहत दे रही है, लेकिन आपकी पार्टी के मंत्री साथी विधायक खुश नहीं है, खुलकर लगा रहे हैं कि खुश नहीं है। देखिए सभी खुश हैं, लेकिन इतनी बात है कि अगर किसी का भी यहाँ आज जो कांग्रेस पार्टी नहीं, कहीं पर भी आप देखिए पूरे अगर हम पूरे देश पूर्व विश्व की बात करें तो आज कहीं ना कहीं स्वार्थ सर्वोपरि हो गया, और जिसका हित थोड़ा बहुत भी कहीं पर हो तो वो अपनी नाराजगी तो जाहिर करके अपने हित के लिए करना चाहते हैं। हरीश चौधरी जी के क्या स्वार्थ है प्रतिष्ठा जी, हरीश चौधरी जी की क्या स्वार्थ है कि वो हनुमान बेनीवाल को पार्टी से दूर रखने की बात कर रहे हैं। देखिए मैंने हरीश चौधरी जी वाले बयान पे, उन्होंने ऐसा आपको मेरे ख्याल से उन्होंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया है कि हरीश चौधरी जी ने कहा हो कि हनुमान बेनीवाल को पार्टी से दूर रखना है या पार्टी में लेना है, क्योंकि अभी इस तरह की कोई चीज मेरे ख्याल से हमारी पार्टी ने नहीं रखी है कि हनुमान बेनीवाल जी के साथ हमारा कोई क्या रिलेशन है। क्या आप तो अपने हिसाब से ही बता रहे हैं, ऐसी कोई चीजें अभी सामने नहीं आई। उन्होंने जो हिसाब से कुछ आपने इतने दिन हो गए हैं प्रतिष्ठा जी आपको कार्यक्रम में आते हुए, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बताती, मैं इस कार्यक्रम में सिर्फ जनता के लिए पार्टीज में, राजनीतिक दलों में, व्यवस्था में, सरकार में, समाज में जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीर एज इट इज सामने रखती हूँ। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि आप मुझे बताइए कि हनुमान बेनीवाल को लेकर हमारी पार्टी में किसी ने कुछ रखा है कि हनुमान बेनीवाल जी ने या हमने किसी ने भी कि भाई इस तरह से कोई बात है, कुछ गठबंधन है या कुछ भी, बिल्कुल तो आपके अपनी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी सभाएं कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो ये चीजें तो एक कयास ही लगाए जा रहे हैं जो आपकी आप लगा रहे हैं कि ये होने वाला है वो होने वाला है, लेकिन पार्टी के अंदर जो प्रतिष्ठा जी आपकी जानकारी नहीं है। प्रतिष्ठा जी आप अपडेट रहिए, राजीव जैन साहब बताएंगे आपको कि क्या कुछ चल रहा है, क्या बयान आया है, उसकी
क्या चर्चा हो रही है उस बयान की, पार्टी के भीतर क्या चर्चा है, पार्टी के बाहर क्या चर्चा है? आप पहले राजीव जैन जी को सुनिए, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। जी राजीव जी, प्रतिष्ठा जी को मैं बताना चाहूंगा कि हरीश चौधरी पार्टी की जो एक स्ट्रेटेजिक कमेटी है उसके चेयरमैन है, पार्टी की रणनीति बनाने वाली समिति के चेयरमैन है। समिति की बैठक के बाद उन्होंने हनुमान बेनीवाल को लेके एक आशंका व्यक्त की। इतना बड़ा नेता जब आशंका व्यक्त कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ पुख्ता जानकारी होगी, तभी उन्होंने एक आशंका व्यक्त की कि हमारे कांग्रेस में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन या समझौता करके चुनाव लड़ा जाए। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि ये ऐसा कोई कांग्रेसी सोच भी नहीं सकता कि ये क्या है। तो वो सब आशंका उनकी है। तो आशंका, इतने बड़े नेता है आपकी पार्टी के, पंजाब के एक प्रदेश के प्रभारी भी है, मंत्री भी रहे, एक पार्टी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उनको स्ट्रेटेजी कमेटी का चेयरमैन बनाया है, तो कुछ सोच समझ के बनाया। तो उनके पास जो जानकारी पहुंची होगी वो पुख्ता जानकारी पहुंची होगी। उन्होंने उसको सार्वजनिक तौर पे कहा है, तो सार्वजनिक तौर पे कोई इतना बड़ा नेता किसी चीज को कहता है तो वो अपने नेतृत्व को ये जताना चाहता है कि आप इस तरफ कदम उठाने की सोचे भी नहीं, ये बड़ा खतरे का काम है। पार्टी के अंदर कुछ लोग मतलब इस चीज को नहीं नकारते हैं कि हनुमान बेनीवाल को के साथ कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी कोई समझौता या उस तरीके से जाए मैदान में, क्योंकि उसके पीछे बैकग्राउंड में पिछले एक डेढ़ साल का घटनाक्रम भी देखा जा सकता है। हनुमान बेनीवाल लगातार बाड़मेर जिले के दौरे कर रहे हैं, बाड़मेर जिले से हरीश चौधरी भी आते हैं, हरीश चौधरी की जो सीट है बायतू उसमें बड़े दमदारी से हनुमान बेनीवाल, चर्चा तो यहाँ तक है कि हनुमान बेनीवाल बायतू से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन उन सब चीजों से हरीश चौधरी अपने आप को कहीं खतरे में महसूस कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने आशंका भी व्यक्त की। और आशंका व्यक्त करते उन्होंने अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चेताया भी है कि इस तरीके से उस तरफ नहीं जाए, हमारी पार्टी ही मजबूत है। वो अपनी पार्टी के लिए भी बात कर रहे हैं कि पार्टी पूरी तरह मजबूत है, हनुमान बेनीवाल जैसे क्षेत्रीय दलों से समझौते की कोई कवायद ही नहीं सोचनी चाहिए। तो प्रतिष्ठा जी, स्थिति तो ये है। दोनों ही साथ साथ दे दिए राजीव जैन जी, आपकी पूरी बात के अंदर आपके क्वेश्चन भी थे तो आंसर भी आपने साथ साथ अपने हिसाब से जो दिए हैं, तो वो आशंका ही आपने बताई है। और ये चीजें देखिए पार्टी का तो आशंका है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई पे आधारित आशंका है कि भविष्य में हो जाए, तो उसको वो शुरुआत में रोकना चाहते हैं। आपके पार्टी के जैन साहब, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, कयास ही लगाए जा सकते हैं कि शायद ऐसा ना हो जाए, उससे ऐसा ना हो, ये कयास होता है। अच्छा सुन लेते हैं प्रतिष्ठा जी, मान लेते हैं राजीव जैन जी ने कहा वो सही नहीं है, मान लेते हैं उनकी बात से आपको आशंका ही लग रही है, आप बताइए ना हरीश चौधरी ने क्यों कहा ऐसा? मीना जी, उन्होंने खुद ही अपनी बात कह के खुद ही कहा कि उनको ऐसी आशंका, मैं ये कह रही हूँ कि राजीव जैन जी का समावेश था। जी की बात को, राजीव जैन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े पत्रकार हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों को सुनते हैं और उसके बाद बताते हैं। अब आप बताइए कि आखिर हरीश चौधरी को सार्वजनिक मंच पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी को लेकर, कांग्रेस के साथ अलायंस को लेकर सार्वजनिक बयान क्यों देना पड़ा है? क्या मतलब है उसका? आप स्पष्ट करिए ना, जनता को समझाइए हरीश चौधरी जी क्या कहना चाहते हैं। मीना जी, हम किस बात पर कब स्पष्टीकरण देंगे ये हमारी पार्टी खुद तय करेगी, इस पर अभी हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना। उन्होंने क्वेश्चन किए, जितनों का आंसर उन्होंने खुद अपने उनके क्वेश्चन के अंदर, मुझे तो ऐसा लगा कि हर चीज को उन्होंने अपने एंगल से, क्योंकि वो विश्लेषक है और सीनियर विश्लेषक है, तो वो सब चीजों का उन्होंने समावेश करते हुए दिया। लेकिन पार्टी कब किसके लिए क्या एक्शन ले, क्या बात करे, किसके बारे में बात करे, तो ये पार्टी की अपनी गाइडलाइन होती है और उसके अकॉर्डिंग मैं हरीश चौधरी जी वाले बात पर, क्योंकि आपने मेरे को हर बार यही क्वेश्चन किया और मेरा आंसर हर बार ही यही है और आगे भी यही रहेगा कि उनके बयान के ऊपर वो खुद ही जो भी आपको देंगे बताएंगे उनके बयान के लिए, आप उन्हीं से संपर्क कीजिए। अभी पार्टी गाइडलाइन में, हमारी पार्टी फॉर्म में उनके इस बयान के लिए मुझे कुछ नहीं बोलना। समझा जा सकता है कि कितनी परेशानी के दौर से गुजर रही है कांग्रेस पार्टी, जब एक अपने
वरिष्ठ स्ट्रेटेजिक कमिटी के चेयरपर्सन के दिए हुए स्टेटमेंट का अर्थ नहीं समझा पाती है पार्टी, और पार्टी के प्रवक्ता उस पर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, उससे समझा जा सकता है। बहरहाल मुझे इसे लंबा नहीं खींचना है। महेश शर्मा जी, सवाल ये है कि हरीश चौधरी को ये बात सार्वजनिक मंच से कहनी पड़ी, इसका मतलब ये है कि हरीश चौधरी की बात को जब कमरे के भीतर ये बात चर्चा में लाई गई है तो क्या इस बात को इग्नोर किया गया है, या उन्हें किसी तरह की आशंका है कि ये हनुमान बेनीवाल उनके क्षेत्र में उनके राजनीतिक करियर पर कोई बाधा डाल सकते हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस होता है तो ये तो जो उनके ऊपर बाधा डालने का जो हनुमान बेनीवाल की तरफ से जो भी उनके करियर को नुकसान हो सकता है उसमें उसमें रफ्तार बढ़ सकती है, उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ आने से उनका नुकसान ज्यादा हो सकता है। देखिए, जहां तक ये जो मैंने ये बताया था कि जो आज जो पूरे मारवाड़ जो बेल्ट है जिसे कह सकते हैं आप, जो जाट राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, वहां पे अपने व्यक्तित्व की नए नेता के रूप उभार की लड़ाई भी चली। परशुराम मदेरणा के बाद में कोई मतलब क्या कहते हैं जाट राजनीति में कोई हावी नहीं हो पाया, ऐसा व्यक्तित्व जो सर्वमान्य। ये सारा जो पूरा जो खेल जो चल रहा है वो यही है कि राजस्थान में कोई भी राजनीतिक दल हो वो जाट राजनीति के समर्थन के बिना आगे नहीं बढ़ पाता। आपको ये मालूम होगा कि वसुंधरा राजे जब पहली बार चुनाव मैदान में आई थी तो उन्होंने सबसे अपने आप को कहा था मैं जाट की बहू। तो ये जो चीज है, ये लड़ाई अब चूंकि सर्वमान्य नेता की भी चल रही है, अब चूंकि हरीश चौधरी का जो व्यक्तित्व है वो पंजाब के प्रभारी होने की वजह से थोड़ा सा उनका बड़ा है, तो हर जो भी बढ़ता हुआ व्यक्तित्व है वो बड़ा ये राजनीति के सिद्धांत में है ये कि जो व्यक्तित्व बड़ा होता है तो उसे अपने मतलब व्यक्तित्व को बनाए रखना और कायम रखना और बढ़ाना इनके प्रति बड़ा संवेदनशील होता है, एक चीज ये। और ये भी बाल मालूम है कि यूथ में जिस तरह से बेनीवाल ने अपने जाट में जाट समुदाय में अपनी पैठ बनाई है, तो ये वाली जो चीज है तो उससे मतलब ज्योति मिर्धा की जो हार, आप ये देखिए ज्योति मिर्धा की हार है या जहां पे भी आप देखिएगा, तो ये एक हनुमान बेनीवाल के जाट जाति के अंदर जो व्यक्तित्व बढ़ रहा है उसके प्रति मतलब क्या कहते हैं दोनों ही दल संवेदनशील। अब आपकी बताए ज्योति मिर्धा को जो बीजेपी ने लिया है तो वो ये मान के चल चुके हैं कि मिर्धा परिवार का अभी भी वर्चस्व है नागौर में और वो इसके आधार पर हम जीत सकते हैं, कुछ हमारा समर्थन होगा कुछ उनका, वो अपना जुटा करके उनको मतलब क्या कहते हैं काट देखी जा रही है। तो ये अंदरूनी अगर आप इन इस धुरी को अगर आप मतलब विचार करें तो ये दिखाई दे रही है, और ये आशंका ही ध्यान में रखते हुए हो सकता है पायलट और मतलब क्या कहते हैं और उनका हरीश चौधरी का सार्वजनिक बयान है कि भाई इससे गठबंधन करते समय सोच लीजिएगा, क्योंकि वो भी अपना पार्टी का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, हनुमान बेनीवाल भी मतलब क्या मारवाड़ से बढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए वो कभी मतलब मीणा जो नेताओं तो पर आज राजस्थान की राजनीति में उपराष्ट्रपति से लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी से लेकर दिव्या मदेरणा और ज्योति मिर्धा, ये तमाम लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस समाज में अपने नेतृत्व को पुख्ता किया जाए। आज न्यूज 24 की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सब ने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह की बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अब राजनीति हर दिन और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। हरीश चौधरी और सचिन पायलट मिलकर क्या हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करने से रोक पाएंगे, देखना होगा। आज के लिए इतना ही, कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।